वहीं इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले और अन्य कामों में हुए घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि नगर निगम में हुए घोटाले पर किसी अधिकारी नेताओं पर आंच आएगी और उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी। दिखावे के लिए सिर्फ मामूली कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर नगर निगम द्वारा नाल टेपिंग को लेकर भी कई बार काम हो चुके हैं और करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सफाई का काम नहीं हुआ। वहीं शहर के मधुमिलन चौराहे और बालेश्वर महादेव मंदिर में भी बड़ी घटनाएं हुई और मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोषियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र 2 में एक जोनल अधिकारी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने 13 लाख के फर्जी बिल लगाए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।